उसी यहाँ से इसकी स्पीड देख पा रहे हैं So, कैसे हैं आप लोग, खूब से बड़े होंगे। सो आज का जो ब्लॉग है, आगे का थोड़ा क्लिप और अभी का जो थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो आज मैं बात करने वाला हूँ द न्यू हक्सर बर्नर स्पार्ट बिलियन 400 बर्नर आ चुका हूँ KTM हक्सर बर्नर का शोरूम में। इन लोगों को जो एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो दुर्गा पूजा देख रहे हो वो प्लीज़ लिख देना हाय। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि बता रहा हक्सर बर्नर स्पार्ट बिलियन 400 बर्नर, इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, इसका प्राइस क्या है, फीचर्स क्या मिलते हैं और टेस्ट राइड भी लूँगा, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। और आज से जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला, आपको अच्छा भी लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो जल्दी से जाकर लाइक से सब्सक्राइब करके बटन जरूर दबाना एंड चैनल को इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जो आप लोगों को वीडियो में पता लग जाएगा। सो बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, आ चुके शोरूम के अंदर, हमारे सामने प्रेजेंट है द न्यू हक्सर बर्नर स्पार्ट बिलियन 401 और कुछ ऐसा टाइप का आपको लुक देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बात करता हूँ इसका 360 वॉकआउट करता हूँ और बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला बात है कि फुल बॉडी ही चेंज हो चुका है, इसके साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो जो आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहला बात, सामने की तरफ देख सकते हो तो नया सा आपको बड़ा हेडलैम्प मिलता है, उसके साथ साथ ऊपर में आप लोग को विंड वाइजर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आप लोग नंबर प्लेट लगा सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो हेडलैम्प के सामने, इधर मैं दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे आप लोग को हक्सर बर्नर का ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ नीचे में दिखाऊंगा तो यहाँ पे भी हक्सर बर्नर का यहाँ पे लोगो दिखेगा, साइड में आप लोग को LED इंडिकेटर मिलेगा, ठीक है। दोनों तरफ आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा, तो कुछ ऐसा लगता है दोनों को तरफ से, मैं दिखाऊंगा। इधर से भी आप लोग देख सकते हो रेड है और इधर से वाइट है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे टायर के बारे में बात करूँ तो इस बाइक में आप लोग को स्पोक देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को ऑफ रोड या ऑन रोड देखने के लिए आप लोग को दोनों टाइप का टायर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बैटरी का दिया हुआ है, यहाँ पे जो ब्रेक है बताऊँगा क्या क्या और दिया हुआ है। इंजन के नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंजन क्रॉल दिया हुआ, एकदम मेटल है, यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे हक्सर बर्नर का ब्रांडिंग मिल जाएगा, रेडिएटर की तरफ यहाँ पे भी हक्सर बर्नर यहाँ पे देख सकते हो कि दिया हुआ है, ठीक है। सेम आप लोग को मिलेगा हक्सर बर्नर मोटरसाइकिल्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लोगो, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको कूलेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे फूड ट्रैक्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंड ये ब्रेक है, ब्रेक लीवर भी बहुत अच्छी लग रही है और जो सस्पेंशन है आप एडजस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हक्सर बर्नर देखने के लिए मिलेगा, सेम पैटर्न का आपको पीछे में भी टायर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम बाइबली का यहाँ पे ब्रेक देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ बैक प्रोफाइल का भी आप लोगों को बताऊँ तो कैसी लग रही है आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को सिंगल कंटिन्यूस यहाँ पे आप लोगों को हैंडल ग्रैब मिलता है, यहाँ पे लैंप दिखेगा, नीचे में आप लोगों को सेम इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक बार ऑन करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा और साइड से इधर भी देखो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ स्पार्ट बिलियन इधर भी एंड स्पार्ट बिलियन इधर भी, आप लोगों को और भी दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ सीट चौड़ी हो चुकी है, ठीक है, सीट बहुत चौड़ा हो चुका है, यहाँ से आप लोग देख भी पा रहे हो, यहाँ पे हक्सर बर्नर का लोगो भी यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा आप लोग को। एंड उसके साथ साथ यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो जो टैंक है, यहाँ पे आप लोग को बहुत सही सिस्टम दिया गया है कि जिससे आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से आप लोग चेकिट आउट कर सकते हो कि अगर कोई भी दाग या डेंट होता है तो सीधा टैंक में पड़ता है, बट ये बहुत हेल्प करेगा। इसमें आप लोग को टैंक के ऊपर ही यहाँ पे की का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो की निकाल के दिखा दो, की कुछ इस टाइप का है, फिर से मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ एंड न्यू मीटर कंसोल मिलता है, ठीक है। तो एक बार ऑन करते हैं एंड कुछ ऐसा टाइप का ही ऑन होता है, तो आप लोग बताओ आप लोग कैसा लगा, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसमें आपको और भी क्या क्या फीचर्स मिलते हैं मैं बताऊंगा। अब मिरर कुछ ऐसा आप लोग को देखने के लिए मिलता है, एकदम स्टैंडर्ड वाला मिरर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे और क्या क्या कंसोल में काम है वो मैं आप लोग को बताऊँगा क्या वर्किंग है। एंड इसका जो बॉडी है बहुत मस्त लग रहा है, लेकिन ये आपको फाइबर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा हल्का भी है, बट जैसे कि यहाँ पे आप लोग को हक्सर बर्नर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे सारी गाड़ी है कि आपका लेग नहीं फंसेगा, ठीक है। बट ये इसमें आपका क्या है कि दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, हाइट ज़्यादा भी ऊँचा नहीं है, हाइट थोड़ा कम कर दिया गया है कंपनी के थ्रू, तो बहुत अच्छी बात है। एंड इधर से भी आप लोग देख सकते हो कि 401 यहाँ पे आप लोग देख भी पाओगे, यहाँ पे नियॉन ग्रीन का आपको डिज़ाइन भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे देख पा रहे हो सेम रेडिएटर में आपको हक्सर बर्नर मोटरसाइकिल लिखा हुआ है और लेग गार्ड आपको थोड़ा छोटा मिलता है एज़ पर द जो इसका जो लुक है, यहाँ से साइड से आप लोग देख पा रहे हो, जस्ट ये आप लोग देखने के लिए मिलेगा। एंड नीचे की तरफ इधर भी आप लोग देख पा रहे हो कि हॉर्न दिया गया है, तो एक बार हॉर्न भी इसका मैं आप लोग को सुना देता हूँ, तो आवाज़ सुनाई दिया होगा। एंड एक बार इसको मैं ऑन करके भी आप लोग को दिखाता हूँ, लेकिन ऑन करके मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि जब तक साइड स्टैंड में लगा रहेगा तो ये फुल्ली ऑन नहीं होगा, जस्ट यही है, बट लुक आप लोग देख सकते हो एंड ये ऑन हो चुका है, ठीक है।
साथ साथ में इसका हैजार्ड आप ऑन कर देता हूँ, इसका हैजार्ड ऑप्शन, तो सारा लाइट इसको आप ब्लिंक करने लगेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो पीछे से, एंड फ्रंट से भी आप लोगों को दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं गाइस कि इसमें आप लोग को और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, बट लुक देखो एंड आप लोग बताओ कि एक्सबन स्पार्ट बिल्डिंग 401 आप लोग को देखने में कैसा लगा। फिर उसके बाद करता हूँ मीटर कंसोल में आप लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और जो मुझको बहुत अच्छा भी लगा मैं आप लोग को बताऊँगा ज़रूर। सो दोस्तों हेक्सागन स्पार्ट विलियन में आप लोगों को मैं बताऊंगा, उससे पहले आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं, तो DRL जस्ट चेक करो गाइस, बहुत सही लग रही है मेरे को। तो ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हेक्सागन के इंजन में आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो इस बैक में आप लोगों को देखने के लिए जो मिलेगा, जो ट्रांसमिशन है इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपके साथ साथ यहाँ पे आप लोग को कूलिंग जो पहले पता रेडिएटर मिला तो लिक्विड कूल मिलता है, तो यहाँ से आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। पावर इन किलोवाट के बारे में बात करते हैं तो 33 kW मिलता है, स्टार्टर है इलेक्ट्रिक स्टार्टर, स्ट्रोक जो मिलता है 64 mm का मिलता है, बोर्ड जो मिलता है 89 mm का मिलता है, जो क्लच है, ठीक है, जो क्लच आप लोग दिखा रहा हूँ यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो जो क्लच आप लोग देख पा रहे हो ये है पैक्स का TM एंटी होपिंग क्लच, मैकेनिकली ऑपरेटेड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है इसका वो है 398.6 cm³, तो बहुत सही है गाइस, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर बात करो EMS का, तो Bose EMS with RBW मिलता है। डिज़ाइन जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका, ये है आप लोग को सिंगल सिलेंडर, यहाँ से आप लोग देख भी पा रहे हो, तो ये जो मिलता है सिंगल सिलेंडर 4-stroke इंजन, एंड लुब्रिकेशन आप लोग को फोर्स्ड ऑयल लुब्रिकेशन विद 2 oil pumps मिलता है। इसका आप चेसिस के बारे में बात करूं तो वेट विदाउट फ्यूल का है इसका, जो आप लोग देख पा रहे हो ये है 159 kg। इसमें टैंक कैपेसिटी जो है यहाँ से आप लोग जो देख पा रहे हो, टैंक कैपेसिटी है 13.1 liter, ठीक है, बहुत सही है, मतलब 13.1 liter कोई ख़राब बात नहीं है। ABS आपको यहाँ पे डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिल जाएगा, तो नीचे से मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें जो Bose 9.3 mp विद कॉर्निंग ABS एंड सुपर मोटो ABS मैंने दोनों ही दिया गया है, मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल में भी आप लोग को इसमें देखने के लिए मिलेगा, सुपर मोटो में भी देखने के लिए मिलेगा। तो ट्रैक्शन में आपको दोनों ही ब्रेक्स काम करेंगे जो डुअल चैनल ABS है, बट सुपर मोटो में बैक वाला ऑफ हो जाएगा जिससे आप स्टंट कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से ही करिएगा। फ्रंट ब्रेक जो है इसका, मैं ब्रेक की तरफ चलता हूँ तो यहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, जो फ्रंट ब्रेक आप जो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो जो फ्रंट ब्रेक है इसका, जो डिस्क है जो आप लोग देख पा रहे हो, इसका जो डायामीटर है वो 320 mm का है, और रियर की तरफ आप लोग जो देख पा रहे हो, यहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, तो जो आप लोग ये देख पा रहे हो ये 240 mm का है। अब फ्रंट ब्रेक जो आप लोग को जो देखने के लिए ऐसा मिलता है, यहाँ पर आप लोग को बाइब्री ओपोस्ट 4-piston कैलिपर ब्रेक डिस्क मिलता है, एंड बीच में भी आप लोग को सेम एज वेल देखने के लिए मिलेगा। फ्रेम का जो डिज़ाइन है, यहाँ से आप लोग चेक इट आउट करो, इधर से मैंने आप लोग को दिखाया, उल्टा तरफ से भी दिखाया आप लोग को, तो ये आप लोग को मिलता है स्टील ट्रेलिस फ्रेम पावर कोटेड। जो चेन देखने के लिए मिलने वाला है ये आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है, इधर से मैं दिखाना चाहता हूँ, तो इधर से आप लोग देख सकते हो। तो ये मिलता है आप लोग को, यहाँ से मैं दिखाने का कोशिश थोड़ा करता हूँ आप लोग को, तो ये मिलता है आप लोग को 520X रिंग, ठीक है। फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो आप लोग को एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है, यहाँ से आप लोग देख भी पा रहे हो, तो ये मिलता है WP Apex 43, तो ये एडजस्टेबल है फुल। उसके साथ साथ बैक में दिखाऊँ आप लोग को, तो WP Apex मोनोशॉक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बट ये एडजस्टेबल है, तो वो कैसा है यहाँ से आप लोग चेक इट आउट कर सकते हो। इधर भी आप लोग देख सकते हो सॉफ्ट और हार्ड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह दिया हुआ है, ठीक है, इससे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का मैं नीचे से आप लोग को दिखाऊंगा, तो हेक्सागन स्पार्ट विलियन 401 में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा 180 mm का। सीट हाइट जो है 820 mm का मिलता है, थोड़ी डाउन है, सही है। स्टीयरिंग हेड एंगल 66 degree, सस्पेंशन ट्रेवल फ्रंट आपको 150 mm का मिलता है, एंड सस्पेंशन ट्रेवल रियर का आपको 150 mm का ही मिलता है। साथ जो टायर मिलता है ये जो है कि प्रेलिक है, रेडियल ट्यूब टायर है, 110/70 का 17 inches, एंड बैक में आप लोग को जो देखने के लिए मिलेगा सेम यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए 17 इंचेस पर पेली का रेडियस ट्यूब मिलता है 150/60, एंड इसमें आपको तीन मोड देखने के लिए मिलने वाला है, स्ट्रीट स्पोर्ट्स एंड रेन। तो आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग को मेरे को बताओ, बट सही में मुझको बहुत बढ़िया भी लगा। एंड पोस्टर के हिसाब से मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, टैंक का जो है सेफ्टी बहुत सही है, एंड डिज़ाइन भी बहुत आप लोग को एग्रेसिव देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बात करते हैं कि आप मीटर में आप लोग को क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलता है।
तो दोस्तों बात करते हैं मीटर कंसोल में आप लोग क्या क्या देखने के लिए मिलता है। साइड में कंसोल आप लोग चेक इट आउट कर सकते हो, मिरर तो बता ही दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपको बहुत सही मिलता है इसमें, यहाँ से आप लोग चेक इट आउट कर सकते हो। बट राइड बाय वायर इसमें आप लोग को नहीं मिलता है, ये थोड़ी बात है, मतलब थोड़ी नहीं बहुत बड़ी बात है, थोड़ी बात नहीं बोलूँगा सॉरी। बट इसमें पहले कंसोल में यहाँ पे हजार का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे पास लाइट का दिया, पास लाइट हाई बीम लो बीम का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप लोग चेक इट आउट कर सकते हो। उसके साथ साथ नीचे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेनू बटन दिया गया है, हर के टी एम या सेवन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को इंडिकेटर का स्विच मिल जाएगा, यहाँ पे ऑन का स्विच मिल जाएगा, यहाँ पे इंजन की स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे पावर बटन मिल जाता है। की का मैंने बता ही दिया आपको फंक्शन जो भी है। तो फिर से एक बार ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 5 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आप लोग देख भी पा रहे हो, ठीक है। इसमें आप लोग को सब कुछ मिलेगा, इसमें क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा, ट्रैक्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन सेंसर यहाँ पे दिखाएगा, इसमें स्पीडो दिखाएगा, यहाँ पे आरपीएम दिखाएगा। तो कुछ अलग टेक्नोलॉजी है, बट ये जो मीटर है ना, ये बहुत हार्ड मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि इसमें कोई गैपिंग नहीं इस मीटर में, ठीक है। क्योंकि जो पैनल है, जो लाइट पैनल है एंड जो मीटर का ये देख पा रहे हो, इसके बीच में ना रेजिन दिया गया है जो बहुत ही हार्ड है, यहाँ से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टफ मटेरियल दिया गया। इसमें आप लोग देख सकते हो कि ABS, यहाँ पे आप लोग चेक इट आउट करो कि यहाँ से आप लोग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन चेक लाइट और फ्यूल जो है, मतलब फ्यूल बोल रहा हूँ सॉरी, इंजन लो फ्यूल यहाँ पे दिखाता है, बट ऐसे जस्ट चेक के लिए, ठीक है। फिर एक बार ऑन करूँगा इसको, ठीक है। तो बाकी इसमें आप लोग को हाई बीम लो बीम दिखाएगा, और जो ट्रैक्शन का है मेन फंक्शन सर वो इसमें दिखाएगा। बट इसमें अभी मतलब आप लोग को अभी दिखाएगा नहीं, जब चलाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। क्रूज कंट्रोल यहाँ पे दिखा रहा है, साइड स्टैंड अभी लगा हुआ है तो दिखा रहा है साइड स्टैंड पे है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग की स्विच प्रेस दिखा रहा है, उसके बाद फ्यूल रिजर्व दिखा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग को गियर इंडिकेशन यहाँ पे आप लोग को दिखाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा टाइप इंटरफेस किया है। उसके साथ यहाँ पे मोटरसाइकिल का यहाँ पे मतलब जो है मेनू बटन से ढूक रहा हूँ, तो मोटरसाइकिल इन्फो, मोटरसाइकिल देख पाओगे, बाइक इन्फो देख पाओगे, ट्रिप इन्फो देख पाओगे, स्पीड कंट्रोल देख पाओगे यहाँ से, मतलब जो बोल रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे आप लोग को जो क्रूज कंट्रोल मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर में जाता हूँ, बाइक इन्फो में आप लोग से ऊपर में दिखाऊंगा। मोटरसाइकिल में आपको राइड मोड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे स्ट्रीट, और बाकी का जो भी है फंक्शन वो 1000 किलोमीटर के बाद ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ABS आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे MTS ऑन ही है, MTC ऑन है, MTS बोल रहा हूँ, MTC ऑन है। यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, इजी शिफ्ट मतलब क्विक शिफ्टर है इसमें दिया गया है, इंटरफेस आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बस यही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ABS में आपको रोड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रोड, और नीचे करूँगा तो सुपर मोटो यहाँ पे ऑन हो जाता है, तो कुछ ऐसा टाइप का ऑन हो जाता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाइक इन्फॉर्मेशन में आपको बाइक का कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस सब कुछ दिखा गया, यहाँ पे वार्निंग भी दिखा रहा है, ठीक है। बैक करूँगा, ट्रिप इन्फो में जाऊँगा तो यहाँ पे आप लोग को डिस्टेंस, फ्यूल कंजम्पशन सब कुछ दिखाएगा, ट्रिप वन ट्रिप टू यहाँ पे जस्ट दिखाता है। स्पीड कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो जैसे कि नॉर्मल है, ठीक है। जस्ट यही है, इसमें आप लोग को और कुछ दिखने के लिए नहीं मिलेगा। और KTM के ऐप के थ्रू आप कनेक्ट करोगे तो बाकी के जो फीचर्स है इसके, मतलब वो भी उसमें अच्छे से आप लोग को दिखेंगे, ठीक है। और बाकी कुछ इसमें मेरे को नहीं ज़्यादा खास लगा, बट सही में जो डिज़ाइन है यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, फुल पीछे से यहाँ से आप लोग देख सकते हो, मुझे बहुत सही लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना। बट कुछ ऐसा लुक में आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, बट जब इसको मैं टेस्ट राइड लेता हूँ तब आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है। सो गाइस, तो वक्त आ चुका है, तो थैंक यू हस्कबर्ना मोटरसाइकिल एंड KTM दुर्गापुर। तो चलते हैं इस 5 बिलियन 400 बार को टेस्ट राइड लेते हैं, एंड देखते इसका फीचर जो है इसमें क्या क्या है, वो कैसा काम करता है। सबसे पहले तो कि ऑफ रोडिंग टायर यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, बट लुक यहाँ से बाहर से निकाल के देख रहा हूँ, वेदर भी कुछ खासा अच्छा नहीं है, बट देखते इसका राइड कि कैसा होने वाला है। बट लुक देखो, तो जो भी होगा आप लोग को इस टेस्ट राइड में पता लग जाएगा। सो गाइस, आप बाइक को लेकर निकलते हैं, ठीक है, एंड देखते इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। एंड थैंक यू हस्कबर्ना मोटरसाइकिल एंड KTM दुर्गापुर इसको देने के लिए। तो चलिए इसको लेकर निकलते हैं, टेस्ट राइड करते हैं हाईवे पे कि कैसा होने वाला है। तो इसको करता हूँ मैं ऑन, ठीक है। तो यहाँ से देख पा रहे हो, जब ऑन करोगे तभी जो लाइट है इसका ब्लिंक करने लगेगा। तो ये जो नॉर्मल चीज़ है तो मैं इसलिए आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताया इसको, ठीक है। तो फिर से इसको जैसे ही करूँगा ऑन, तो आवाज़ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, तो मैं तो गियर पे रखता हूँ एंड इसको आराम से लेकर निकलेंगे। तो थोड़ा सा मुझे फिर से अपना मेजर करना पड़ेगा, तो यहाँ से बोल देखता हूँ। तो दोस्तों इसको मैं हाईवे पे भी टालूंगा, फिर देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, तो लेके निकलते हैं इसको।
यहाँ से उसकी स्पीड देख पा रहे हो पावर गाइस बहुत सही लग रहा है। डिस्प्ले की अपॉर्चुनिटी 8.66 के देखने को भी मिल जाएगा और सब तो वेट 5 मिनट की जिसका लिए पावर टॉप क्लास प्रोवाइड करते हैं मुझे बहुत 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 पसंद आ रहा है। और सच बताऊँ तो जो फ्रंट डिस्प्ले का अपॉर्चुनिटी में बहुत सही है, पीछे में कुछ पति मिलता है वो भी सही है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जैसे अगर मुझे स्टील स्टेल मिल रहा है तो वो भी सही है एंड मुझे बहुत पसंद किया। ग्राउंड के सारे टीम का कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला, यहाँ से आपको गवर्नमेंट भी आपको चिकट ऑफ कर सकते हैं, मुझे बहुत 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 पसंद आ रहेगा यहाँ से और चीज का एंड देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको चला के एंड हाईवे का परफॉर्मेंस 11 चल रही है बट इसको ऑफ है। तो दोस्तों चलिए फिर से इसको पुल करता हूँ और यहाँ से मैंने पुल कर दिया और यहाँ से अगर सही में इसको स्पीड आप चेकिट आउट करोगे किलोमीटर ऑन रहा तो आपको समझ में भी आ जाता लेकिन ऑफ है तो कोई दिक्कत नहीं। यार कार की स्पीड देखो जस्ट ओवरटेक हो जा रहा है या फिर बाइक से ओवरटेक हो जा रही है, मैं थोड़ा सा अपना कंट्रोल में चला रहा ज़्यादा भी नहीं इसको मैं कार रहा हूँ बट यार आप चेक इट आउट कर सकते हो स्पीड एंड आरपीएम आप चेक कर सकते हो जो स्पीड ऑफ है बट आरपीएम से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कितनी स्पीड जा रही है। केस करो आप लोगों को बताना कमेंट सेक्शन में बट उसको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से मैं खींच जा रहा हूँ एंड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया यार सच में। तो दोस्तों अंदाज़ा लग ही गया होगा कि गाड़ी कैसी रन कर रही है, ठीक है बहुत स्मूथ है एंड सच बताओ तो इसका जो एक्सेलरेशन है बहुत ख़तरनाक भाई साहब, मतलब इसको चला के जो फील हुआ ना मुझको बहुत पसंद आया एंड लोग देख भी रहे हैं इसको एंड जो लुक लग रहा है यहाँ पे देख पा रहे हो। जो हैंडल बार है ना मैं बताना चाहता हूँ सिंगल ट्यूबलर मिलता है बट जो क्वालिटी हैंडल बार का बहुत ही सही है यहाँ से मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, मुझको बहुत पसंद आया एंड यहाँ से तो चिकट भी कर सकते हो एंड जो इसका TFT 5 इंच जो स्क्रीन मिलता है आप लोग को यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो वो बहुत सही दिखने के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला एंड आप लोग को ये कैसा लग रहा है आप लोग बताना बट सच में इसका जो पावर है बहुत सही है। तो हाईवे पर मैंने दिखा दिया तो चलिए सिटी में देखे देखते कि ये इसका पावर कैसा होने वाला है। फुल पावर पे सुनो यहाँ से मैं फिर से डाउन अपनी बाइक को बता सकता हूँ बाइक पर बाइक का पावर बहुत बढ़िया है सीटी में कोई दिक्कत होने वाला है इसमें आपको 6 लीटर मिलता है क्लच का बाइक टैक्स के लिए अभी क्लच मिलता है सही बात है भाई और सही भी लग रहा है। फ्रंट सस्पेंशन WP FX 43 मिलता है एंड रियर में आपको WP FX 44 मिलता है बट वो भी एडजस्टेबल है सामने का भी एडजस्टेबल है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस 118 मिलता है चलिए वो भी देखते हैं क्या था उसके ग्राउंड क्लियरेंस काम करता है बम्पर आने के बाद एंड सीट है 820 का जो प्रोवाइड किया गया कंपनी के थ्रू बहुत सही है। सीट अभी बहुत सॉफ्ट है मतलब क्या बोलूँ इतना बैठने आरामदायक है क्या दिक्कत नहीं होगा एंड सच बताओ तो उसको बहुत पसंद आ रहा है एक्सेलेंट जो आप प्रोवाइड करते हो ग्रिपिंग भी इसका अच्छा है इस टायर सब का ठीक है एंड सच बताओ तो इसमें आपको ट्यूब मिलता है ट्यूबलेस नहीं मिलता तो सच में ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ट्यूबलेस है बट नहीं गैस इसमें आपको ट्यूब मिलता है क्योंकि स्पोक ट्यूबलेस है इसलिए इसको आप लोग चाहो तो बाद में इसको ट्यूबलेस कर सकते हो तो उसके लिए प्रोसेस होगा कुछ जो कंपनी अभी नहीं बताई है बट बता देगी बाद में जाके आप लोग चेंज भी कर सकते हो। इसका जो आवाज़ है ना मुझे वो बहुत पसंद आया सही में बहुत सही है इसका आवाज़ बहुत दूर तक जाती भी है एंड यहाँ से थोड़ा संभालना पड़ेगा मोड बाकी के जो दो मोड है वो आफ्टर 1000 सर्विस के बाद ही खुलने वाले हैं उसमें आपको कॉर्निंग ABS सुपर मोटो ये सभी देखने के लिए मिलेगा जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया था जब मैं मीटर रिव्यू कर रहा था इसका। बाकी बहुत सारे चेंजेस कर दिए बट मीटर में ना मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैं इसमें पहले आप लोग को बोला मीटर का जो बिल्ड क्वालिटी बहुत एनहेंस कर दिया गया बहुत अलग तो कैसा लगा ये जो वीडियो आप लोग को पसंद आया कि नहीं आप लोग प्लीज मेरे को बताइएगा क्योंकि मुझे जाने का मौका मिलेगा एंड मैं सिटी में हूँ जब से मैं इसको ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ नहीं तो मैं खींचता इसको और बट थोड़ा सेफ्टी ज़रूरत होता है अपने लिए भी इसलिए मैं नहीं ज़्यादा इसको कूल कर रहा हूँ बट ऑलवेज ये बाइक बहुत सही है एंड मैं पहली बार तो ट्रांसफर बनने का मैं रिव्यू कर रहा हूँ हम उसको बहुत पसंद भी आया ये पावर बहुत अच्छा है पावर एक्सप्रेशन यहाँ से मैं खींच
यहाँ से आगे आया बम्पर और चेक इट आउट करते हैं। यहाँ से आप दिख पा रहे हो तो बहुत स्मूथ से मैं निकल रहा हूँ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फंस गया यहाँ पे थोड़ा सा हो जाती है तो अपना बंद हो जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ से पावर बहुत पसंद आ रहा है, हम चल रहे हैं शुरू पर आप लोग बताओ आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, चला के जो फील हुआ था बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे अगर आप बाइक करेंगे देखोगे आपको भी बहुत पसंद भी आएगा, जो भी आप लोग देखेंगे खूब मुझे जो भी चीज़ होता है आपको भी बहुत पसंद है। यहाँ से टाइम लगता है चलते शोरूम बाकी और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार लगा गर्मी बाकी तो दोस्तों मैं आ चुका शोरूम एंड हमारे सामने जैसे आप लोग दिख पा रहे हो मैं अभी टेस्ट राइड ली गया, बट सच बताओ इसका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा एक्सप्रेस बना के यहाँ पर आप लोग दिख पा रहे हो, स्टाइलिंग बहुत पसंद है। सबसे मस्त चीज़ मुझे लगा कि यहाँ पे आप लोग दिख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 401, तो बहुत क्लासिक लुक इसका है, स्प्लेंडर वाली फीलिंग है एंड सामने में जो विंड वेदर है वो भी बहुत सही है एंड वाइब्रेशन बहुत ही लेते हैं एकदम नई नई है ठीक है। एंड सच बताओ इसका जो पावर है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे जो रेडिएटर ग्रिल आप लोगों को देखने के लिए मिलता है एकदम कर्व होता है एंड इसका जो एक शोरूम पड़ रहा है ये पड़ रहा है 292,000 जो कि है दुर्गापुर में, आसनसोल में भी आप लोग ले सकते हो या दुर्गापुर का भी ले सकते हो, वीडियो को जो एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड थैंक्स टू सुजीत भैया कि उन्होंने मेरे को दिया। एंड सच बस बताओ कि यहाँ पे जो टायर्स मिलते हैं उसका ग्रेटिंग में बताओ ना तो मुझे बहुत सही लगा, यहाँ से मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो यहाँ से आप लोग देख भी पा रहे हो तो मुझको बहुत सही लगा उसको चला गया। एंड यहाँ पे आप लोगों को जो कलर मिलता है एकदम ग्रे ब्लैक, ग्रे ब्लैक का थोड़ा सा आप लोग कॉम्बिनेशन मिलने वाला है मतलब फुल्ली ग्रे है ठीक है, या सिल्वर भी पकड़ सकते हो एंड यहाँ पर आप लोग को ब्लैक फिनिश दिया गया है तो बहुत अच्छी भी लग रही है। आप लोगों को बता कि आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा, बट मुझको इसको चला के जो फील हुआ गया बहुत ही अच्छा लगा, ब्रेकिंग बहुत सही है बट जो सीलिंग पर्पस के लिए रहता है उसमें स्पीडोमीटर ऑफ किया हुआ रहता है क्योंकि टेस्टिंग होती है उसके बाद ही आप लोगों को मिलेगी, तो बहुत बोलते कि स्पीडोमीटर ऑन नहीं है तो गैस फॉर द सेफ्टी रीज़न वो ऑफ रहता है ठीक है, तो दैट्स द रीज़न यहाँ पर आप लोग समझ भी पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा एंड जाने से पहले आप लोग बताइएगा कि आप लोग को इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा। सो गाइस कैसा लगा रिव्यू मेरे को बताइएगा, बट सच में इसको जो मैंने राइड किया ना यार मतलब बहुत ही अच्छा लगा, एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा था ठीक है, बट सेफ्टी नॉर्म्स लिए मैंने इसको ज़्यादा भी टाना नहीं ठीक है। एंड थैंक्स टू KTM दुर्गापुर सुपर्ना मोटरसाइकिल्स की उन्होंने मेरे को दिया, बट यहाँ से आप लोग लुक देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। एंड सच बताओ तो इसमें जो टायर साइज है ना बहुत सही है, तो इसके टायर मिलते हैं आपको ऑफ रोड भी कर सकते हो ऑन रोड भी कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को जो मैंने बताया प्राइस ठीक है 292,000 एक शोरूम में, बट बाकी का जो डिटेल्स आप लोग शोरूम आकर पता कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप लोग को और भी यहाँ पे देख सकते हो KTM के मोटरसाइकिल देखने के लिए मिलेंगे एंड सुपरना के भी एंड आप लोग को ये बाइक करने पर मिलेगा ठीक है। एंड जो भी डिटेल्स हो आप लोग यहाँ पे आकर जान लीजिएगा, अगर मेरे रात के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नीचे में अपने जरा यूज़र नेम फेसबुक और इंस्टाग्राम का वहाँ पर जाकर स्क्रीनशॉट कर लेना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, टाटा बाय बाय।